परिधि गृह में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में झंडुता हल्के के विधायक जेआर कटवाल ने कहा कि हल्के के समान विकास के लिए वह कृत संकल्प है और रोड कनेक्टिविटी के साथ साथ 8 छोटे बड़े पुलों का निर्माण करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में जब वह विधायक बने तो बागझाल पुल का काम शुरू करवाया। 2007 में इस पुल का काम लट गया था और उस समय इसका बजट 21 करोड़ था, जो वर्तमान में बढ़कर 50 करोड़ तक पहुँच गया है। अब इसका काम दुर्गति से चल रहा है और अगले साल जुलाई माह में ये पुल बनकर तैयार होगा, जिसे जनता को समर्पित किया जाएगा। इससे झंडुता से कीर्तपुर की दूरी मात्र 40 किलोमीटर कम रह जाएगी। उन्होंने बताया कि जंजवी क्षेत्र की जनता को जोड़ने के लिए तैयार किया जा रहा 390 मीटर लंबा नंदनग्राम पुल का काम भी 6 मार्च को शुरू हुआ था और इस समय तेज गति से चल रहा है। अगले साल जून माह में इस डबल लेन पुल का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इस क्षेत्र में 8 पुलों का काम चला हुआ है, जिससे 4 पुलों का काम तकरीबन पूरा हो गया है। विधायक ने बताया कि झंडुता में हेलीपैड भी बनेगा, जिसके लिए प्रक्रिया चल रही है। आने वाले समय में हेलीपैड का निर्माण कार्य शुरू होगा और एक तय समय अवधि के अंदर इसका काम को पूरा किया जाएगा। 2017 में मैंने अपने चुनाव के अभियान के दौरान कुछ विशेष बातों के ऊपर लोगों से चर्चा की थी, तो जिन्हें वादा कह लें या मेरा एक योजना का हिस्सा था वो, उनमें पहले तो था कि कोटधार क्षेत्र के लिए बिजली पानी और पुलों की कनेक्टिविटी की बात। तो पुल तो 8 बन ही रहे हैं और उसके साथ 3 झूला पुल भी, जो नई एक एडिशन है झंडुता चुनाव क्षेत्र के लिए, 3 झूला पुल भी बन रहे हैं, ताकि जब तक पुल बने अगले साल तक उतनी देर तक उनको लोगों को सुविधा रहे। और दूसरे मिल्क प्लांट एक नई कोटधार क्षेत्र, क्योंकि पिछड़ा क्षेत्र भी है, और उसके लिए मैंने एक विशेष योजना हिमाचल सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद से डेयरी की 20,000 लीटर क्षमता का एक प्लांट लगेगा और उसके लिए 8,63,00,000 रुपये की राशि स्वीकृत हुई है। शीघ्र ही मैं उसका शिलान्यास करने जा रहा हूँ। और उसके साथ ही एक नई, जैसे हेलीपैड की बात होती थी, तो अब पुलों के बनने से कनेक्टिविटी इम्प्रूव होने से लोगों का आना जाना और कोटधार क्षेत्र से बागझाल पुल का जो निर्माण होना, उससे जो आगंतुकों की जो संख्या है या आगंतुकों का आने जाने का क्रम है वो बढ़ेगा। और एक हेलीपोर्ट की भी प्रोजेक्ट है जो हमने डाली हुई है, और एक अच्छा हेलीपोर्ट झंडुता में बनेगा और उसके साथ ही एक ओपन एयर थिएटर जो ग्राउंड है 15,000 की जो संख्या जिसमें एडजस्ट हो सके, और वहाँ उसको ओपन एयर थिएटर के रूप में भी विकसित करने की योजना है। शीघ्र ही अगले साल तक उस पर काम होगा। बाकी ये 3 प्रोजेक्टें जो हैं वो मैंने जैसे जैसे कहा था वैसे पूरी